व्हाट इज फ्लुइड टोकन? जी हाँ दोस्तों, आज फ्लुइड टोकन के बारे में बात करेंगे। इसी की ऑफिशियल वेबसाइट fluidtoken.com से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वेबसाइट काफ़ी यूनिक है और यहाँ पे इन्होंने एक बहुत अच्छा, मुझे जो लगा है वो ये है कि इन्होंने अपना इंटीग्रेशन काफ़ी अच्छे किए हुए हैं, चाहे वो कार्डिनो हो, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे दूसरे यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज हो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फ्लुइड टोकन्स में कुछ आपको नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। और जहाँ पर ये कहते हैं कि हमने अपना सपोर्टेड नेटवर्क जो है मल्टी नेटवर्क सपोर्ट के तौर पे, जिसमें कार्डेनो और बिटकॉइन है, उसके साथ साथ खुद के डी एप्स हैं, जहाँ पर लिक्विडिटी पूल्स, पी टू पी लेंडिंग, वॉलेट सपोर्ट और उसके साथ दूसरी चीज़ें भी बताई गई, जिसमें स्टेकिंग और दूसरे आप इंटीग्रेशन चेक कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की, उसका प्लेटफॉर्म, उसके इकोसिस्टम्स को इंक्रीज करने की ये बात करते हैं। फिर भी हम समझेंगे इसके डॉक्यूमेंट्स पार्ट से और जानेंगे यहाँ पर फ्लुइड टोकन कैसे काम करता है। सो फ्लुइड टोकन इज द करंट लीडिंग इकोसिस्टम्स ऑन बिटकॉइन एंड कार्डानो ब्लॉकचेन दैट लेवरेजेस योर एसेट टू ऑफर अ वर्ल्ड ऑफ इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज। दिस ओपन, ट्रस्टलेस एंड सिक्योर इकोसिस्टम ऑफर्स डिफरेंट नॉन कस्टोडियल डेफी सर्विसेज फॉर एनी क्रिप्टो यूजर, क्रिएटेड फॉलोइंग द कम्युनिटी नीड्स एंड फीडबैक्स। कहीं ना कहीं यहाँ पर कम्युनिटी का यूज़ किया गया है, उस कम्युनिटी के साथ साथ यहाँ पर कार्डानो बिटकॉइन को भी लाया गया है। और यहाँ पर क्योंकि हम जब बात करते हैं बिटकॉइन की, तो ऑन बिटकॉइन फ्लुइड टोकन्स हैज क्रिएटेड द फर्स्ट 100% परमिशनलेस लेंडिंग प्रोटोकॉल दैट सपोर्ट BRC20 रूनस एंड ऑर्डिनल अलॉन्ग विद ऑल द मेजर BTC वॉलेट्स। इसके साथ कार्डानो की बात की जाए, द कार्डानो फ्लुइड टोकन्स ऑफर द फॉलोइंग प्रोटोकॉल, जिसमें P2P लेंडिंग रहेगा, उसके साथ यहाँ पे लिक्विडिटी पूल्स, रेंटिंग, बूस्टेड स्टेक है, बाय नाउ पे लेटर, एक्वेरियम, मेलस्ट्रॉम और इग्लू है। तो इस हिसाब से यहाँ पे फ्लुइड टोकन जो है कम्युनिटी सेंट्रिक, प्रायोरिटाइजिंग अ ग्रेट यूजर एक्सपीरियंस, लिसनिंग टू द कम्युनिटी सजेशंस एंड अलाउइंग एवरीवन टू बी एन एक्टिव मेंबर, एज द प्रोटोकॉल्स आर नॉन कस्टोडियल, एनी यूजर कैन बोथ अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर एंड अ बोरर। दो चीजें आप कर सकते हैं, आप चाहे तो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, दूसरा आप बोरर बन सकते हैं। सो फ्लुइड टोकन इज ऑल्सो गोइंग टू बिकम अ क्रॉस चेन एंड मल्टी चेन इकोसिस्टम सपोर्टिंग अदर ब्लॉकचेन सच एज पॉलीगन एंड मिडनाइट। और इसके साथ ये कहते हैं द ऑफिशियल डाओ जो कि फ्लुइड डाओ है has been legally established in Switzerland. The FLDT token will happen on 18th of January 2024, जो कि हो चुका है MinSwap पे, और इसके साथ टोकन का फेयर लॉन्च कार्डानो पे हो चुका है। तो ये चीज़ें यहाँ पर इनकी तरफ से की गई हैं। ऐसे ही FLDT के अगर टोकनॉमिक्स की बात की जाए तो वो आप भी यहाँ पे देख पाते हैं कि FLDT की जो टोकनॉमिक्स है बहुत ही कम रखी गई है। इस कम टोकनॉमिक्स का फायदा इस पूरे इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा, जहां पे कहते हैं कि FLDT इज द टोकन दैट एम्पावर द होल फ्लुइड टोकन इकोसिस्टम एंड इट्स नेटिव ऑन कार्डानो, इवेंचुअली ब्रिजेबल टू अदर ब्लॉकचेन सच एज बिटकॉइन, इथेरियम एंड पॉलीगॉन। तो दोस्तों 100 मिलियन की सप्लाई में से 33% यील्ड फार्मिंग, 32.5 LB है, 9.5 टीम है, 7.5 डाओ ट्रेजरी है, 7% इस्पो है, 5% स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, 5% डेवलपमेंट, 0.5% एयरड्रॉप रखेगा। तो ये ब्रेकडाउन यहाँ पर फाइनल टोकनॉमिक्स का किया गया है। एमिशन शेड्यूल भी आपको यहाँ पे 100 मिलियन टोटल सप्लाई के हिसाब से देखने को मिल जाएंगे, जहां पे डैप इंसेंटिव से लेके एयरड्रॉप, LBE, इस्पो, पार्टनर्स और टीम को किए गए हैं। कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन बहुत बेहतर तरीके से 100 मिलियन का किया गया, जो कि FLDT टोकन के लिए काफी बेहतर हो सकता है। इसके साथ यहाँ पे इसके ऑडिट्स जो कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म में हम देख सकते हैं, जहां पे कहते हैं कि हमारे जो ऑडिट्स हैं वो आप यहाँ पे देखेंगे तो बूस्टेड स्टेकिंग रेंटिंग वर्जन 2 का फाइनल हो चुका है, P2P एंड पूल लेंडिंग वर्जन 3 का भी माइनर अपडेट हो चुका है, रेंडिंग वर्जन 1 का फाइनल है, EVM P2P लेंडिंग वर्जन 1 भी हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें जो कार्डानो के अंदर है, क्योंकि बिटकॉइन में सिर्फ लेंडिंग है, तो कार्डानो में P2P लेंडिंग है, पूल्स लेंडिंग, रेंटिंग, बूस्टेड स्टेक है, एक्वेरियम, मेलस्ट्रॉम, इग्लो और बाय नाउ पे लेटर्स के साथ साथ यहां पर खुद का डाओ और फ्लुइड डाओ भी देख सकते हैं, जिसमें गवर्नेंस की बात की गई है, प्रपोजल दिए जा सकते हैं, उसके साथ साथ यहां पर डेफी जेनरिक रिस्क के बारे में बात की गई है। अब ये तो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट था, अगर बात की जाए ऑफिशियल वेबसाइट पे तो वही सेम चीजें आपको यहां पे देखने को मिलेंगी, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि यहां पर आप कहीं ना कहीं अपनी लिक्विडिटी को प्रोवाइड करके उससे फायदा ले सकते हैं। अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड ना कर पाए तो यहाँ पे बोरोइंग कर सकते हैं और स्टेकिंग का भी फायदा यहाँ पे लिया जा सकता है। लेयर 2 इसका और आने वाले उसमें कुछ अपडेट्स आपको समय में देखने को मिलेंगे, जो कि इन फ्यूचर की बात है। इंटीग्रेशंस क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे की गई है, प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन देखा जाए तो यहाँ पे मल्टीपल क्रिप्टो एसोसिएशंस इनकी जुड़ी हुई है, उसके साथ साथ कम्युनिटी को देखा जाए तो सोशल मीडिया हैंडल काफी एक्टिव है, जहां पे हर एक सोशल मीडिया एंगल पे आपको फ्लुइड टोकन्स की कम्युनिटी देखने को मिल जाएगी। डायरेक्टली आप यहां पे इस प्लेटफॉर्म के बारे में समझ सकते हैं, नेटवर्क्स के बारे में समझ सकते हैं और लॉन्च एप्स भी यहाँ पे किया जा सकता है। अब बात की जाए इसके ऑफिशियल एक्स हैंडल की, वो है @FluidTokens, व्हेन सेलिंग योर एसेट इज नॉट एन ऑप्शन, लेंड, बोरो, रेंट, बूस्ट, डिसेंट्रलाइज, परमिशनलेस, मल्टी चेन। सो FLDT इज लाइव, जो कि मार्च 2022 में से लाया गया था, 14.1 थाउजेंड फॉलोअर्स है और यहाँ पर इन्होंने रिसेंट कुछ अपने ट्वीट्स,
कॉइन मार्केट कैप पे जस्ट लिस्ट हुआ उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, और दूसरा यहाँ पे कुछ अपग्रेड्स हैं, गिव अवेज हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप चाहें तो इन्हें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इस पूरे इकोसिस्टम से जुड़ के आप समझ सकते हैं कि पूरी टीम के क्या यहाँ पे एम्स हैं, गोल्स हैं, और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है इसे फॉलो करने के साथ साथ। इसके साथ बात की जाए आपके फायदे की जो है कॉइन मार्केट कैप की, विच इज फ्लो टोकन इज द प्रोजेक्ट नेम, FLDT इज द टोकन नेम, करंट प्राइस इन रुपीज 16.30 रहा है, 0.43% की राइज है। मार्केट कैप एसेज कोई बड़ा चेंज नहीं है क्योंकि जस्ट अभी CMC पर लिस्ट हुआ है, लेकिन वॉल्यूम पिछले 24 घंटे 41.33% के हिसाब से डाउन हुई है और अपने रेड जोन से हल्का सा ऊपर है। ये चार्ट इतना मैटर नहीं करता क्योंकि जस्ट अभी CMC पर लिस्ट हुआ है। मैक्स सप्लाई टोटल सप्लाई में विच इज 100 मिलियन FLDT है, लेकिन सर्कुलेशन में जस्ट 18.57% ऑफ द टोटल सप्लाई लिया है, विच इज 18.57 मिलियन FLDT टोकन यहाँ पर लिए गए हैं। इसके साथ प्राइस परफॉर्मेंस की बात की जाए, ऑल टाइम हाई 2 दिन पहले 60 में 50 था, ऑल टाइम लो 1 दिन पहले 15.70 रहा है। एज ऑफ नाउ आप इसे मिन स्वैप और VY फाइनेंस से इजीली बाय कर सकते हैं, लेकिन बाय करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लें, उसके बाद ही आप इसमें निवेश करें। नया क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें अब इसमें होना बाकी है, और क्योंकि इंटीग्रेशंस काफ़ी अच्छे हैं, कार्डेनो का यूज़ किया गया है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा बेहतर पॉजिटिव रिजल्ट इसको मिल सकता है क्योंकि सप्लाई बहुत कम है। डिमांड सप्लाई का अगर यहाँ पे गेम चल गई और इसके साथ लिक्विडिटी में इनको अगर कोई इशू नहीं आया तो इसके प्राइस में एक बेहतर उछाल देखा जा सकता है। अगर मार्केट काफ़ी अच्छी रहती है, सेंटिमेंट काफ़ी अच्छे रहते हैं, तो इसमें भी एक अच्छा खासा प्राइस सर्च देखा जा सकता है। सो दोस्तों, हल्का सा अपडेट फ्लो टोकन के ऊपर मैंने आपको दिया। वीडियो पसंद आया है चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय।